नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं फॉल ऑफ हाउस ऑफ एक्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू रेजरेक्शन ऑफ मैग्नेटो के बाद शुरू होता है, जहां हमने देखा कि मैग्नेटो अब पुनः जीवित हो चुका है। तो वही आयरन मैन सारे मिस्टीरियम जमा करके कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो वही शैडो कैट ने सारे म्यूटेंट्स और एवेंजर्स को बताया है कि अब समय आ गया है इन ऑर्कस नाम की बीमारी को जड़ से उखाड़ देने का। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू के शुरुआत में हम ऑर्कस का ब्लूम देखते हैं, जहाँ पे मोडॉक और डॉक्टर स्टेसिस मिलकर ये सारा खेल खेल रहे थे। तब मोडॉक कहता है, ये बढ़िया है, फेलोंग उस टोनी स्टार्क को मारने के लिए हमें अकेला छोड़ गया। दोस्तों अब ये क्या हुआ है यह हमें इनविंसिबल आयरन मैन के अगले इशू में पता चल जाएगा। तब मोडॉक और डॉक्टर स्टेसिस आने वाले खतरे पर ध्यान देने लगते है, और तब वे लोग देखते है कि उनके सामने स्पेस में पोलारिस नोवेयर को लेकर आ गई थी। ये देखकर मोडॉक और डॉक्टर स्टेसिस हैरान रह जाते हैं। तब मोडॉक कहता है, ये क्या, ये पोलारिस इस पूरे सेलेस्टियल को लेकर यहाँ आ गई। ये कहते हैं मोडॉक हमला करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही पोलारिस पूरे ब्लूम पर हमला कर देती है। यहाँ डॉक्टर स्टेसिस को इसी दौरान पता चलता है कि स्टार्क ने बहुत बड़े सूट्स बनाए हैं ऑर्कस को रोकने के लिए। ये देखकर स्टेसिस को गुस्सा आता है और वो हर एक म्यूटेंट को खत्म करने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी वो जायंट सेलेस्टियल उस पूरे ब्लूम को खाने लगता है, और तब उस ब्लूम के अंदर पोलारिस आ जाती है और वहाँ के लोगों से कहती है, तुम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी वे ऑर्कस के गार्ड्स पोलारिस पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उससे पोलारिस को कुछ असर नहीं हुआ था। और तब ये देखकर पोलारिस के फेस पर स्माइल आती है, और वो अगले पल ब्रूड की सेना को आजाद करती है जो अपने साथ वो लाई थी। और तब वे सारे ब्रूड उन ऑर्कस के गार्ड को खत्म करने लगते है। ये देख कर बाकी के गार्ड्स अंधाधुन ब्रूड पर फायरिंग करने लगते है, लेकिन पोलारिस अपनी शील्ड बनाकर उन सारे ब्रूड को बचा लेती है और फिर वहाँ के सारे गार्ड्स को मार गिराती है। लेकिन देखती है कि वहाँ एक गार्ड अब भी जीवित था। तभी पोलारिस उस गार्ड के पास आती है और उसे पूछती है, वो सिनिस्टर का क्लोन कहाँ पे है। जिस पर वो गार्ड कहता है, वो यहाँ से भाग चुका है। यहाँ हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें ऑर्कस के गार्ड किसी म्यूटेंट को बांध के ले जा रहे थे। तभी वे गार्ड कहते हैं कि जैसे ही बेस पर हमला हुआ है वैसे ही हम इस कैदी को लेकर बाहर निकला है। तभी हम देखते हैं कि वो कैदी कोई और नहीं बल्कि वुल्वरिन है। तभी उन गार्ड का लीडर अपनी टीम से कहता है, इन म्यूटेंट्स ने हम पर हमला किया है, इसलिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी ये बातें सुन के वहाँ खड़ा एक गार्ड हंसने लगता है, और तब हम देखते हैं कि उन गार्ड्स में पहले से छुपकर कोलोसस आया था, जो वहाँ आते ही वुल्वरिन को आजाद करता है, और फिर वे दोनों मिलके इस प्लेन पर कहर बरसाते हैं। तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालता है और उन गार्ड्स को खत्म करने लगता है। तो वही वुल्वरिन और कोलोसस की मदद करने के लिए वहाँ पर नाइट क्रॉलर आ जाता है, जो कुछ गार्ड्स को टेलीपोर्ट करके बाहर स्पेस में फेंक देता है, और कुछ इस तरह वे तीनों इस प्लेन पर सारे ऑर्कस की गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। तभी नाइट क्रॉलर इन दोनों को लेकर इस ब्लूम के अंदर आता है और कहता है, मैं फास्टर को ढूंढता हूँ। लेकिन तभी कुछ ऑर्कस के गार्ड्स इन तीनों को देखते हैं और फायरिंग करने वाले ही थे कि तभी ब्रूड वहाँ आकर उन गार्ड्स को खत्म करते हैं। ये देखकर कोलोसस कहता है, क्या ये हमारी साइड है, जिस पर वुल्वरिन हाँ कहता है। तभी वहाँ पर पोलारिस आती है और कहती है, हेलो बॉयज, ये ब्रूड इस प्लान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन प्लान मैंने थोड़ा सा बदल दिया, इसलिए ये लोग यहाँ आ गए। वैसे मैं यहाँ स्टेसिस और फास्टर को खत्म करने आई हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर नाइट क्रॉलर पोलारिस से कहता है, तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन फायर स्टार डबल एजेंट है और वो ऑर्कस में रहकर हमारी मदद कर रही थी। जिन नहीं मरने से पहले स्टेसिस के दिमाग में यह डाल दिया था कि फायर स्टार उनकी जासूस है। यह सुनते ही पोलारिस कहती है, ठीक है, जब तक फायर स्टार स्टेशन पर है मैं स्टेशन को नष्ट नहीं करूंगी। यह सुनते ही वह तीनों फायर स्टार को ढूंढने जाते हैं। यहाँ न्यूयॉर्क में हम एमा फ्रॉस्ट को देखते हैं, जो अपनी पावर से दो ऑर्कस के गार्ड को अपना गुलाम बनाती है। तो वही पीछे आसमान में कुछ गिर रहा था। यहाँ हम शैडो कैट को देखते हैं, जो चोरी छुपे पेरिस आ गई थी, और वो वहाँ के साइक्लॉप्स को ढूंढने लगती है। तो वही दूसरी तरफ वुल्वरिन एक ऑर्कस के गार्ड को खत्म कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम कुछ सेंटिनल्स क्रकोआ को पकड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन तभी क्रकोआ को बचाने के लिए वहाँ पर जगरनॉट आता है और वो उन दोनों सेंटिनल्स को खत्म करके क्रकोआ को आजाद करता है और एक्सप्लेन से कहता है, क्रकोआ आजाद है। यहाँ एमा फ्रॉस्ट देखती है कि उसके सामने अब सेंटिनल्स आ चुके थे, और तब वो सेंटिनल एमा को पंच मार के पीछे फेंकता है। तभी एमा रोक से कहती है, तुम जाके जगरनॉट की मदद करो। लेकिन तभी रोक कहती है, मैंने तुम्हारे पास प्लेन भेजा है,
क्योंकि मुझे गैम्बिट के साथ एक और महत्वपूर्ण काम करना है। या एमा ये सुनते ही सेंटिनल्स पर हमला करती है, लेकिन वो हमला करने से पहले ही सिंक वहाँ आ जाता है और आइसमैन के पावर से उस सेंटिनल को वही बर्फ में जमा देता है और कहता है कि स्टेसिस का पता चल गया है, लेकिन मोयरा और डॉक्टर डेवो गायब है। या रोग और गैम्बिट सेवियर मेंशन आते हैं। तभी वहाँ आने के बाद रोग गैम्बिट से कहती है, मैंने यहाँ पर मैनफोल्ड को बेहोशी की हालत में रखा था और वो काफी समय से यहाँ पर है। मुझे लगता है कि जब वो जाग जाएगा तब वो बहुत गुस्सा होगा। तभी रोग मैनफोल्ड को बाहर निकालती है और उसे जगाती है। तभी मैनफोल्ड के जागते ही रोग मैनफोल्ड से कहती है, तुम ऑर्कस के निशाने पे थे इसलिए तुम्हें बेहोश करके यहाँ रखा गया था, पर अब तुम्हारी जरूरत है। यह सुनते ही मैनफोल्ड को गुस्सा आता है और वो गैम्बिट को पीछे फेंकता है और फिर रोग के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और देखता है कि रोग का फेस पहने हुए कोई और ही था जो कहता है कि भविष्य अब लिखना बाकी है। और तब वो शख्स अपना चेहरा दिखाता है जो कोई और नहीं बल्कि लैक्टुका है। तब लैक्टुका कहता है, हम सबको तुम्हारी जरूरत है और तुमने अगर इनकी मदद की तो भविष्य बदल जाएगा और फिर एक बार मैं तुम्हें मिलूंगा मेरे भाई। ये कहते हैं मैनफोल्ड जाग जाता है और देखता है कि वहाँ पर अब रोग और गैम्बिट खड़े थे। तब रोग कहती है कि सेंटिनल्स यहाँ आ रहे हैं, जिस पर मैनफोल्ड कहता है, टेंशन मत लो, मैं हम सबको वही भेजूंगा जहाँ हमारी जरूरत है। ये कहते हैं मैनफोल्ड उन तीनों को गायब कर देता है। या वो सेलेस्टियल पूरे ब्लॉक को तोड़ने में लगा था तो वही पोलारिस वहाँ पे कैद सारे लोगों को पॉड के जरिए बाहर भेजती है। या ये देखकर डॉक्टर स्टेसिस को गुस्सा आता है और वो लोगन से कहता है, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते हो लोगन, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम फायर स्टार को कभी नहीं देख पाओगी। ये कहते हैं डॉक्टर स्टेसिस एक पॉड में बैठ जाता है और चला जाता है। या लोगन ये देखकर गुस्सा होता है और वो एमा से कहता है, ये स्टेसिस यहाँ से भाग गया है पर उस पर ध्यान रखो। लेकिन तभी वुल्वरिन पर मोड़क हमला करता है और उसे पीछे फेंकता है और कहता है, तुमने ब्रूड को आजाद करके अच्छा खेल खेला लेकिन अब मेरे भागने का समय हो चुका है। यह कहते हैं मोड़क उस स्टेशन से दूर निकल जाता है। या पोलारिस लोगन को ढूंढने जाती है और साथ ही ब्रूड से कहती है कि नोवेयर पर वापस आ जाओ। यह कहते हैं सारे ब्रूड फिर से नोवेयर पर आ जाते हैं और तब हम देखते हैं कि वो स्टेशन पूरी तरह नष्ट हो चुका था। या पोलारिस लोगन कोलोसस और नाइट क्रॉलर को बचाकर बाहर लाती है। तब कोलोसस कहता है, मैंने इतना ढूंढा लेकिन फायर स्टार कहीं नहीं मिली, जिस पर लोगन कहता है कि स्टेसिस ने हो सकता है उसे मार डाला हो। या पेरिस में अब ओमेगा सेंटिनल को देखते हैं जो साइक्लॉप्स को आइफेल टावर के पास लाती है और उसका सर काट के उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर ग्रेगर आती है और ओमेगा सेंटिनल को बेहोश करती है। तभी देखकर साइक्लॉप्स हैरानी से डॉक्टर ग्रेगर से पूछता है, तुम मुझे बचा रही हो? जिस पर डॉक्टर ग्रेगर कहती है, पिछली बार जो तुमने कहा उसके बाद मैंने सोचा कि ऑर्कस के साथ कुछ गड़बड़ है, ये लोग कुछ तो छिपा रहे हैं, तो क्या तुम जानते हो ये सेंटिनल सिटी क्या है? या हम निमरॉड को देखते हैं जिसे क्रकोआ ने किसी केमिकल में बंद करके रखा था, लेकिन तभी निमरॉड उससे बाहर आ जाता है एंड दैट्स इट। ये इशू यह कंटिन्यू होता है।